फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है सीकर से। सीकर के नीमका थाना से एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सीकर के नीमका थाना से। भारत फाइनेंस कंपनी में 11 लाख रुपए की डकैती की खबर यहां से सामने आ रही है। तीन संदिग्धों ने इस पूरी वारदात को अंजाम वहां पर दिया है। सीकर के नीमका थाना से खबर बता रहे हैं, बाइक पर सवार होकर ये तीनों बदमाश वहां पहुंचे और छावनी स्थित वार्ड नंबर 21 की पूरी घटना। सीकर के नीमका थाना के छावनी स्थित वार्ड नंबर 21 की घटना नीमका थाना क्षेत्र में पुलिस ने इसके बाद नाकाबंदी कराई है। बताया जा रहा है कि तीन संदिग्ध लोगों ने बाइक पर सवार होकर के आए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। भारत फाइनेंस कंपनी में 11 लाख रुपए की डकैती की खबर फिलहाल सीकर के नीमका थाना से सामने आ रही है। तीन संदिग्ध लोगों पर फिलहाल पुलिस बात कर रही है कि तीन संदिग्ध लोग बाइक पर सवार होकर पहुंचे वहां पर वार्ड नंबर 21 में छावनी स्थित। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, बड़ी खबर आ रही है सीकर के नीमका थाना से, यहां पर तीन संदिग्ध लोगों ने एक डकैती की घटना को अंजाम दिया है, बताएं क्या पूरी अपडेट। जी, मैं आपको अवगत करवा दूं कि नीमका थाना में अभी कुछ ही देर पहले तीन बदमाश लोगों ने एक फाइनेंस में घुसकर 11 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दे दिया है। बड़ी घटना ये सामने आई है। बिल्कुल, तीन बदमाश लोगों ने हथियार की नोक पर ये वारदात को अंजाम दिया है। उमेश, कितने बजे की पूरी घटना बताई जा रही है? बताया जा रहा है कि तीनों जो बदमाश है संदिग्ध लोग, पुलिस ने इसके बाद नाकाबंदी भी कराई, क्या फिलहाल उनका कोई सुराग? कितने बजे की घटना और बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर ये लोग पहुंचे, क्या सुराग अभी तक पुलिस के हाथ लगा है इस घटना के बाद? जी, ये छावनी में स्थित एक फाइनेंस कंपनी थी जिस पर नकाबपोश पहन रखे थे तीनों बाइक सवार आए थे। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी लगा दी, लेकिन अभी तक बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगता है। जी उमेश, कितने बजे की पूरी घटना? जी, ये घटना फिलहाल 10:30 बजे की बताई जा रही है, लेकिन किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी सूचना नहीं दी गई थी। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस व प्रशासन को इस घटना का पता चला, जिस पर DISP सावरण नागौरा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी कराई है, यहां पर लूट की घटना हुई है। तीन संदिग्ध लोगों पर फिलहाल जो शक की सुई है वो घूम रही है।